नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भगवापुरा थाना क्षेत्र के सेवड़ा दतिया स्टेट हाईवे पर स्थित एसआर पेट्रोल पंप पर दो बदमाशों ने पेट्रोल के पैसे न देने और अड़ीबाजी करने को लेकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में पेट्रोल पंप का ऑपरेटर सहित तीन अन्य कस्टमर जो पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे घायल हो गए। घटना के बाद बदमाश सेवड़ा के जंगलों में भाग गए थे। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए तीन बदमाशों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनसे घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। दतिया नवगत एसपी प्रदीप शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त मामले की जानकारी देते हुए बताया, घटना के बाद सही आरोपियों के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था, जिसमें आरोपी संजय चौहान और गोलू बुंदेला को गिरफ्तार कर लिया गया है और बदमाशों से एक 12 बोर की एक नाली बंदूक, 21 जिंदा कारतूस और एक 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपियों की तलाशी में तीन थानों की पुलिस लगाई गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एएसपी कमल मौर्य, दतिया एसडीओपी प्रियंका मिश्रा, सेवड़ा एसडीओपी अखिलेश पुरी गोस्वामी भी मौजूद रहे। एक पति पत्नी जो वहां पेट्रोल डलवाने आए थे, पति पत्नी भी चोटिल हुए थे और एक अन्य व्यक्ति जो वहां पेट्रोल डलाने आया था वो भी चोटिल हुआ था, क्योंकि मामला गंभीर था। चार लोगों को उसमें चोट आई थी। तत्काल इसमें एसडीओपी सरेटा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। जब पतारसी की गई तो पता चला कि एक प्लैटिना बिना नंबर की गाड़ी जिसमें दो लड़के आए थे, उन्होंने पैसे ना देने और अड़ीबाजी करने के लिए इस तरह की घटना कारित की है। तत्काल एसडीओपी साहब ने अपने नेतृत्व में दो टीमों को रवाना किया, जिसमें थाना प्रभारी भगवापुरा, थाना प्रभारी डीपार, थाना प्रभारी थरेट और थाना प्रभारी अतरेटा, इन्होंने जंगल की तरफ जाकर सर्चिंग की, जिसमें एक आरोपी को इन्होंने पकड़ने में सफलता हासिल करी। आज सुबह इसमें दूसरे आरोपी को भी इसी टीम ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों के पास से एक नाली 12 बोर बंदूक और उसके 21 राउंड जब्त किए गए हैं। जो दूसरा आरोपी गोलू बुंदेला 23